हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट करेंगे तो। अब मैं आपको मेन वीडियो दिखाने लगा हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, काफी फैन बॉयज उनके दिल टूटेंगे, लेकिन प्लीज दिलों को काम पे रखें। मेरा किसी से लड़ाई और किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स अ ग्रेट बिग लाइफ, ये झूठ है। इतने हार्ड अर्न मनी खर्च रहे हैं, क्या आपको उसके मुताबिक वो चीज मिल रही है? तो माजत के साथ नहीं मिल रही। मैंने आप लोगों से पहले भी प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह ताला आपको ऐसा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा जिसके अंदर आपको पहले कभी वो ऐसे फीचर्स नहीं नजर आए होंगे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की आपने पूरी वीडियो देखनी है और आपने उसके बाद अपना वर्डिक्ट देना है फाइनल। और ये वीडियो बड़ी मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग है, आज तक ऐसी वीडियो पाकिस्तान में नहीं बनी होगी। मैंने आप लोगों से पहले भी प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह ताला आपको ऐसा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा जिसके अंदर आपको पहले कभी वो ऐसे फीचर्स नहीं नज़र आए होंगे। आज बहुत गर्मी है, आप मुझे देख सकते हैं, आई एम फुल फिल्ड विद स्वेट। तो आज हम राइडिंग नहीं करेंगे, आज हम गपशप लगाएंगे, कुछ चीज़ों के एनालाइज करेंगे, एनालिटिक्स डालेंगे, कुछ चीज़ों की रिसर्चेज आपके सामने रखूँगा, उसके बाद आप लोगों ने फैसला करना है, ठीक है। आज हमारा जो मेन वीडियो का फोकस है वो ये है कि हमने कंपैरिजन करना है दो चीज़ों के अंदर, एक बाइक, नंबर टू उसकी वैल्यू। यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा फीवर स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर माजत के साथ अंडर पावर्ड और कह लें कि सिर्फ शोबाजी, वो उसको लेके हम लोग राइड्स खरीद रहे हैं, बाइक्स खरीद रहे हैं, जिसके अंदर बजट हमारा 10 मिलियन से भी ऊपर जा रहा है। तो मैंने इस फीवर को रोकना है, मैं आप लोगों के वैल्यूएबल पैसों को बचाने की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बिल्कुल भी कह रहा कि आप ना लें चीज़ को, लें, लेकिन फिर एज अ कलेक्टर लें, एज अ म्यूज़ियम के तौर पे लें, इस सेंस में ना लें कि आपको वो आप चीज़ खरीदेंगे तो आपको जो है ना आपके ट्रू वैल्यू ऑफ द मनी होगी। तो आज टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, आज का व्लॉग बहुत बेहतरीन, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं किसी भी बाइक का फ़ैन बॉय नहीं हूं, सारी कंपनीज बेस्ट हैं, यामाहा, होंडा, कावासाकी, सुजुकी, डुकाटी, BMW, ये सारी बाइक्स जो बनाते हैं सुपर बाइक्स खास तौर पे, ये एक से बढ़कर एक है, हर बाइक एक से बढ़कर एक है, यकीन करें। ये राइडर होता है जिसकी बेस पर हम बाइक को कहते हैं ये ज़्यादा बेहतर है कि ज़्यादा बेहतर नहीं है। राइडर आप हल्का बिठा देंगे ना आप H2R के ऊपर भी, तो वो हार जाएगा बेचारा। तो एक चीज याद रखें कि राइडर मैटर्स अ लॉट। अच्छा जी, हम अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। टॉपिक हमारा ये है वैल्यू ऑफ द मनी। आप कोई बाइक लेते हैं, आप पैसे भरते हैं, आपको क्या वो वैल्यू मिल रही है? तो आज की जो मेन टॉपिक है बाइक का, यानी एक टॉपिक जिस बाइक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो कावासाकी ब्रांड की बाइक है। और आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही महंगी कावासाकी आई है, कौन सी वाला? यस, H2R। हमें बहुत पसंद है, बहुत खुशी हुई है कावासाकी H2R आई है। कावासाकी H2R का हमने आज से 4-4.5 साल पहले एक वीडियो देखी थी टर्की के अंदर, वो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी दिखा देता हूँ वीडियो क्या है, तो आए वो वीडियो देखे मैं।
वीडियो तो आपने देख ली है और आपने देखा होगा कि 400 की स्पीड पे बाइक जा रही है, 400 किलोमीटर पर आवर, जो बहुत वॉपिंग स्पीड है, बहुत बड़ी स्पीड है। मेरे ख्याल में किसी भी स्टॉक बाइक ने, यानी कि जो फैक्ट्री मेड बाइक है, उसने 400 किलोमीटर को कभी सरपास नहीं किया। तो कमाल है बाइक जी, हर बंदे की ड्रीम है, मेरा भी ड्रीम था, का वर्ड मैं बताऊंगा क्यों था। तो मतलब 400 की स्पीड बहुत बड़ी स्पीड है, और सबसे बढ़कर आइकॉनिक बात है बाइक की स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगे, लेकिन मैं आपको मजीद बता देता हूँ। ये 1000 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर बाइक है, जिसमें सुपर चार्जर लगा हुआ है सबसे बढ़कर, और इसके अंदर कावासाकी के अपने भी काफी ज्यादा गैजेट्स लगे हुए हैं। सबसे बड़ी जो चीज है वो सुपर चार्जर की है। तो सुपर चार्जर लोग ये समझते हैं कि भाई आसमान से चीज आ गई, सुपर चार्जर टर्बो। तो मैंने आप लोगों को बेसिकली ये चीज बतानी है कि आप लोग जो पैसे अपने हार्ड अर्न मनी खर्च रहे हैं, क्या आपको उसके मुताबिक वो चीज मिल रही है? तो माजत के साथ नहीं मिल रही। अब मैं आपको मेन वीडियो दिखाने लगा हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, काफी फैन बॉयज है उनके दिल टूटेंगे, लेकिन प्लीज दिलों को थाम के रखें। मेरा किसी से लड़ाई और किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप अपने पैसों को जाया मत करें। कावासाकी H2 जो है उसकी क्या प्राइस है मैं बताता हूं। पाकिस्तान में आपको कावासाकी H2 स्लाइटली यूज्ड 3.8 मिलियन से 5 मिलियन के दरमियान में मिल जाएगी, यानी कि 38 लाख से 50 लाख के दरमियान। आपको पता है वो 230 हॉर्स पावर है और करीबन 238-240 किलो वजन है उस बाइक का। तो बाइक बहुत जबरदस्त है, और जो पैसे हैं वो भी मैं समझता हूँ मुनासिब है, बहुत अच्छे हैं, डुकाटी से बहुत सस्ती है। क्योंकि डुकाटी को अगर आप देखें तो 6 मिलियन प्लस की बाइक है, वो भी सेम 2014 या 2013 या 15 मॉडल्स की। अगर बाइक को देखें तो कंपैरेटिवली बाइक ओके है, पैसे भी ठीक है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कावासाकी H2R। पाकिस्तान में रिसेंटली आई है कावासाकी H2R। आपको शायद पता होगा या शायद नहीं पता होगा, लेकिन लेट मी टेल यू, कावासाकी H2R तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की मोटरसाइकिल है, यानी 1.25 करोड़ रुपए। ठीक है जी, बाइक बहुत अच्छी है, बाइक 300 प्लस की हॉर्स पावर देती है, बाइक की टॉप स्पीड 400 है, तो यार ठीक है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इट्स अ ग्रेट बिग लाइन, ये झूठ है। आप हंसेंगे मेरे ऊपर, ये क्या बात कर रहा है, ये ले नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ये बात कर रहा है। लेट मी टेल यू वन थिंग, लुक एट दिस बाइक, ये BMW S1000 डबल आ रहा है, 2010 मॉडल है, 11 की इंपोर्ट है। मैंने मंडी में चलाई गई थी, मतलब कि काफी ज्यादा मैं चलाता हूं इसको, तो माशाल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद दिस बाइक। लेकिन आई एम नॉट अ BMW फैन बॉय, मुझे जिस दिन इसे अच्छी बाइक मिलेगी मैं ले लूंगा वो वाली बाइक। इसके अंदर फीचर्स हैं जिसकी वजह से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फीचर नंबर 1, लॉन्च कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, आपके डायनेमिक मोड्स, और उसके साथ साथ बहुत सी मजीद चीजें। बाइक में स्टेबिलिटी है, बाइक के एरोडायनेमिक्स ऐसे है कि बाइक टॉप स्पीड के अंदर बिल्कुल भी वैबलिंग नहीं करती। और इसकी कीमत कितनी है सबसे बढ़कर, यानी मैंने फीचर्स रखे उसके बाद मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज द प्राइस। तो भाई आपको 2010 मॉडल 11 की इंपोर्ट 15 से 16 लाख में कंचा पीस मिल जाएगी, जिसके ब्रांड न्यू टायर्स है। कितने? 15 से 16 लाख, ठीक है। अब हम बात करते हैं H2R की, क्योंकि आज हमारा टॉपिक H2R है, BMW नहीं है। H2R आपको 1.25 करोड़ की बाइक मिलती है, जो माजरत के साथ 400 नहीं, 375 भी नहीं, 350 भी नहीं। गर्मी बहुत हो गई, मैं बात ऐसी कर रहा हूं ना गर्म गर्म, तो मुझे भी पसीना आना। 325 से 330 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाती है वो, और अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानते तो कोई मसला नहीं, मेरा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक जो वीडियो मैं आपको शेयर करने वाला हूं ना, वो वीडियो आपको बता देगी कि दैट आई एम राइट। एक स्टॉक कावासाकी फैक्ट्री से निकली हुई H2R 323-325 से आगे नहीं जा रही,
और वो भी मैं आपको बता दूं एक बात, मैं इस टॉपिक के ऊपर भी बात करूंगा, आपको जो मीटर पे शो करता है ना जो बाइक की स्पीड, वो कभी भी एक्चुअल नहीं होती, वो बढ़ा चढ़ा के होती है। तो कावासाकी H2 ने अपनी स्पीड बढ़ा चढ़ा के शो कराई, नहीं तो GPS पे आ रहे हो। तो GPS स्पीड आ रही है उस वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं। तो काइंडली ये वीडियो पूरी देखिए, उसके बाद आप जस्टिफिकेशन दें कि क्या है ये बाइक, क्या नहीं है।2000万ヤングマシン読者の皆さん、こんにちは、丸山博史です。そして鶴田龍二です。だいぶテンション高いですね。もちろん、はい、2人でですね、今立っているところは、はい、砂利の高速周回、うん、そうです、上のバンクを見てみれば分かりますけどね、うん、ここ時速何キロぐらいで走るんだっけ。ここはですね、時速300、まあ私走りましたね、はい、まあ本来はでも250キロぐらい、まあ280ぐらいまでしか出しちゃいけないとは言われてるんですよね。っていうところに持ってきてですね、今回、うん、H2R、うん、そしてトリックスター号 H2R、はい、さらにハヤブサと持ってきてですね、ロードトゥ時速400キロ。おー、どうですかその400キロオートバイで出すっていう。そうだね、うん、まあでもかなり期待されて作られたね、はいはいはい、今回のその川崎の H2R、うんうん、ね、実際どれぐらいのポテンシャルがあるのかっていうところは、はいはい、個人的にもすごく気になるし、気になるしね、男だったらやっぱりね、うん、ちょっと昔のね人たちは300キロっていう言葉にワクワクしたけど、うん、俺らはやっぱりね400キロって聞いた以上はね、うん、どこまでいけるのかなってやってみたいけど、うん、ノーマルのH2R の場合は、まあ、ファイナル上で言うと、うん、本来はそこまでは絶対出せないはず。そうだね、あの馬力的に理論上で出せても、うん、ファイナル的にはそこまでは本来は出ないはずなんだけど、うん、トリックスター号をやってきたらしいじゃないですか今回。今回はちょっとね、うん、前回のその直線、はい、あれからやっぱりモデファイして、うん、もう少しやっぱりねスピード出さないとダメだなと思ってね、はい、一体今回、高速周回路で、うん、まあ、何キロぐらい出るかをですねやってみたいと思いますので、はい、その映像行ってみたいと思います。思います。332キロ。332、はい、で多分ファイナルで振っちゃった、もうレブってますよね。レブっちゃいましたね、最終的にね。もう一回いきますか。もう一回いきます。そんな感じだよね。あのここでドクドク入れたよね。入れた入れた。でもう上がっちゃってて、うん、でもリミッターも効いちゃってるかも。
杯してないです。今1回入ってチェック中です。335キロ。じゃあ次に鈴鹿さんアタックいきます。ほぼ変わらないんじゃない。 348.91 ですよ。あともうちょい350ですよ。勝ちましたね。微妙なんですか。でも、うん、でも微妙なの。やっぱりゴーって出ないの。あ、でも35入った。350入りましたよ。あ、でもなんかね、俺の中ではね、うん、俺の中でオートバイで350キロを出せたっていうのはもう一つのあれだから。二輪になりましたか。これはいいと思う。あの、やっぱ350キロって経験してないからね。二輪で350。来た。笑ってる。ちょっとつるちゃん。やっぱ意地張ってましたよ。1キロ。3号。いや、約2キロ。2キロ。うん。ありがとうございます。ちょっともう一回。どうぞ。いやいや、別にマルちゃんがどうのっていうの、300ね、50キロは超えときたかったよね。350キロの男ということでね。やったよー。前人未到。よし。ね。
आपने देखा वीडियो को, आपको पता चला होगा कि दिस इज अ मिथ कि H2R 400 पे जाती है। वो जो टर्की वाली वीडियो है ना, वो जाती है 400, क्योंकि उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी ऑल्टरेशन हुई है। स्टॉक H2R कैन नेवर टच 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो मेरा मकसद किसी बाइक के खिलाफ करना बात नहीं है, मैंने आपसे पहले ही बात की थी, मेरा मकसद है आप लोग अपने पैसे जाया मत करें। अब मिसाल के तौर पर मेरी BMW जाती है 310-315, ठीक है, और ये बाइक जा रही है 325-330। कितने की BMW बताइए मैंने आपको, कितने की बताई? 16 लाख रुपए की। कितने की? 16 लाख 16 लैक्स 1.6 मिलियन। और वो भाई कितने की है? 12.5 मिलियन। तो यार अल्लाह का नाम लो यार, आपने क्या करना है यार, ये इसराफ है, पैसा जाया ना करो यार, अल्लाह माफी, ख्याल करो यार, अपने पैसे ना जाया करो, अपने माँ बाप के पैसे, हार्ड अर्न मनी ना जाया करो यार, ना अपने मुरब्बे बेचो। तो आप लोग अगर नाराज हो मेरे से तो माजरत है, अगर किसी की दिल आजारी हुई हो, बट मेरा बाइकिंग कम्युनिटी से ऐसे ताल्लुक है कि मैं आपको बता सकता हूं कि मैं अपने लिए राइडिंग नहीं करता, मैं लोगों के लिए राइडिंग करता हूं, मैं लोगों को इस शौक पर लेके आता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान नाइट राइडर्स ने कार्निवल राइडर्स को, बाइकर्स क्लब को स्पॉन्सर किया, मतलब माशाल्लाह आज उसमें बहुत ज्यादा बाइक्स है। मियां चन्नू में हमारे भाई हैं, माशाल्लाह आज वो एक ग्रुप की शक्ल में बनने को जा रहा है। मुल्तान में माशाल्लाह ग्रुप बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो कहने का मकसद है कि मेरा बिल्कुल भी किसी अपने ही ग्रुप को लेके चलने का मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हम लोग ऐसी मशीन्स लें जो वैल्यू ऑफ द मनी हो, वैल्यू ऑफ द मनी। तो प्लीज आप लोग अकलमंदी का मुजाहरा करें, आप लोग अपने हार्ड अर्न मनी जाया ना करें, ऐसी बाइक ले जो आपको बेहतरीन प्लेयर दे, मजा दे, और आपके पैसे भी फजूल जाया ना हो, इन्वेस्ट भी ना हो फजूल पैसे। तो होप सो के आज आपको इंटरेस्टिंग ब्लॉग नजर आया होगा, और आप लोग किसी भी किस्म की आपको नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह और भी आपको मजेदार पोस्टमार्टम मिलेगा इंशाल्लाह। तो पोस्टमार्टम जरूरी होता है किसी भी बाइक का, मिसाल के तौर पर इसका भी पोस्टमार्टम होता है, होना चाहिए। दिस ये हमारे ब्रांड, हमारे बाप के ब्रांड नहीं है, माजद के साथ। हमें जो अच्छी चीज मिलेगी हम उसकी तारीफ करेंगे, जो अच्छी चीज नहीं मिलेगी या जो पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे चीज उससे कम होगी, लेस होगी, लेसर होगी, इन्फीरियर होगी, हम उसकी फिर बाइकॉट करेंगे। बाकी आप लोगों का चैनल है, आप लोग जैसे चाहेंगे वैसी वीडियोस आएंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बोले कि आई नेक्स्ट किस बाइक का पोस्टमार्टम करें हम लोग, और हमें सब्सक्राइब करें, खासतौर पर बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो ताकि कोई मजीद को बंदे लुटने से बच जाए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। आज रात को हमारी एक मीटअप है, मुलाकात है मुल्तान में, BMW HP4 आ चुका है, तो उस बाइक को देखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपसे बेहतरीन एक ब्लॉग शेयर करूंगा, एक रेसिंग ब्लॉग होगा। और आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूँ कि हम मेरा खासतौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ अपनी बाइक को लेके क्रेजी नहीं हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस बात पे कि मैंने अपनी बाइक की बेस पर औरों को भी बाइकर बनाना है इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्पोर्ट है, जबरदस्त स्पोर्ट है। आप किसी भी नेगेटिविटी से बचते हैं, आप मेहनत करते हैं, सबसे बढ़कर मेहनत करते हैं तो पैसा सेव करते हैं, पैसा सेव करते हैं तो आपके पास ये मशीन आती है, फिर आप मशीन को आराम से चलाएं, अल्लाह ना करे कभी आपको पैसे की जरूरत पड़े, यू कैन सेल इट। हफ्ते के अंदर अंदर सेल हुई थी, मैं समझता हूँ इस बाइक से ज्यादा बेहतर सेल सुपर बाइक की है। तो हमें सपोर्ट करें, शेयर करें, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बुरा किया है, तो ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो में वो चीजें ना आ सके। गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इंशाल्लाह रात में राइडिंग होगी, रात में मुलाकात होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।